स्टूडेंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में किस तरह से एलिमेंट पीरियड्स में डिवाइड है और उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप कि जिस तरह से वो रोज में और ग्रुप में डिवाइड है तो उससे हमें किस कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर एलिमेंट की पता चलती है। फर्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या नंबर रहेगा। आप देखेंगे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनमें सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वल होंगे, सेम होंगे। देखिए सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ग्रुप फर्स्ट और वैलेंसी, पहले यहाँ चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रुप फर्स्ट के ही एलिमेंट्स लिए हैं जैसे कि लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की है 2-1 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 3-11। ठीक है, ये इसकी क्या है इलेक्ट्रॉनिक नंबर है तो इसको हमने क्या करा कॉन्फिगर किया तो 2-3-2-8-1-2-8-8-1 तो सबकी वैलेंस कितनी आई, वैलेंसी 1 आई। तो आप देखेंगे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबकी जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस आएंगे वो सबके एक जैसे आएंगे, 1 है तो 1 आएंगे, 2 होंगे तो 2 आएंगे, 3 होगी तो 3 आएगी। इस चीज को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, मेनली सबसे पहले जो ग्रुप की फॉर्मेशन हुई थी ग्रुप 1 ग्रुप 2 13-14-15-16-17-18 मेनली मैंने बीच के 3 से लेके 12 तक के ग्रुप को यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पर मैं सिर्फ कौन से ग्रुप की बात कर रही हूँ, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, और उसके बाद मैंने 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप को यहाँ पर डिफाइन किया है जिसमें ग्रुप फर्स्ट की फर्स्ट वैलेंसी, सेकंड की सेकंड, 13 की थर्ड, 14 की फोर्थ, 15 की 5, 16 की 6, 17 की 7 एंड 18 की 8 क्या है वैलेंसी होगी, ऑलवेज कभी भी चेंज नहीं होगी। उस पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा एक जैसा होगा, सेम होगा। सिर्फ इन ग्रुप्स की बात कर रही हूँ, ग्रुप 1, 2 एंड 13-18 इन ग्रुप में जो भी मैंने आपको यहाँ पे वैलेंस बताया है कि पर्टिकुलर एलिमेंट का ये वैलेंसी आएगी तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी सेम प्रेजेंट होगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सिर्फ 18 ग्रुप में एक्सेप्शन है हीलियम, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हमने किस में रखा है, ग्रुप 8 में रखा है, जबकि ग्रुप 8 में हमने सारी इनर्ट गैस या नोबल गैस को रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि वो स्टेबल है और आप सब जानते हैं जब भी हम कॉन्फिगरेशन करते हैं तो फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, दैट्स वाई हीलियम को नोबल गैस में रखा गया है। दैट्स वाई यहाँ पर जो 8 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ हीलियम को छोड़ के बाकी सब में इक्वल अमाउंट में वही सेम इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, क्योंकि इनकी वैलेंसी क्योंकि सेम है इन ग्रुप में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो आप देखेंगे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर रो में वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं, दैट्स व्हाई सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड द ग्रुप नंबर एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मैं ऑलरेडी आप लोग को वैसे ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ लेकिन एक बार दोबारा हम लोग इसे पढ़ लेते हैं कि अगर मैं कोई भी आपको एटॉमिक एलिमेंट दे दूँ तो और आपसे पूछूँ वो कौन सी ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है, आप इजीली बता सकते हैं जो कि इन पर्टिकुलर ग्रुप्स में एलिमेंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ आपको सोडियम का बताइए कि वो कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में है, आप सब जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, उसकी कॉन्फिगरेशन कर लीजिए 2-8-1, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्रुप फर्स्ट में प्रेजेंट होगा 1-2-3 और 3 ऑर्बिट है तो इसलिए पीरियड थर्ड में प्रेजेंट होगा, ग्रुप फर्स्ट पीरियड थर्ड। इसी तरह से मैं कहूँ कैल्शियम, कैल्शियम का सब जानते हैं एटॉमिक नंबर है 20, 2-8-8-2 तो इस ये कौन से ग्रुप में है, सेकेंड ग्रुप में प्रेजेंट है 1-2-3-4 और कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट होगा। इस चीज को आप अदर ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट के थ्रू भी देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सल्फर 16-2-8-6 ये 16 ग्रुप में प्रेजेंट होगा। 16 ग्रुप में क्यों, क्योंकि 16-6 जो वैलेंसी है कौन से ग्रुप की आती है, 16 ग्रुप की आती है, तो आप इसमें 10 क्या कर ले प्लस कर ले तो इजिली आपको याद रहेगा 16, ठीक है 1-2-3 और कौन से पीरियड में आता है ये, थर्ड पीरियड में। क्लोरीन की 17 वैलेंसी है 2-8-7 तो ये कौन से ग्रुप में आएगा, क्योंकि 7 किस में किस वैलेंसी किस ग्रुप में आती है, 17 ग्रुप में, तो 7+10 आप याद रखेगा 17 एंड 1-2-3 कौन से पीरियड में, थर्ड पीरियड में। तो इजीली आप इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको इजीली बता सकते हैं वो कौन से पीरियड में और कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है वैलेंसी,
अब हम ये तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, अब हम बात कर रहे हैं वैलेंस की। आप देखेंगे मैंने क्योंकि ग्रुप आपको ये वाले बताए 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sorry 18। तो आप देखेंगे वैलेंसी 1, ग्रुप 1 की 1, ग्रुप 2 की 2, ग्रुप 3 की 3, ग्रुप 4 की 4। लेकिन अब वैलेंसी घटनी स्टार्ट होगी, माइनस मतलब 3, माइनस 2, माइनस 1 एंड 0। रीजन बिहाइंड आप सब जानते हैं, क्योंकि जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑलवेज देते हैं, दैट्स वाई हम उन्हें पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, +1, +2, +3। 4 आप जानते हैं सिर्फ कार्बन और सिलिकॉन दो ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। फिर आपने देखा कि घटते क्रम में, ठीक है, -3, -2, -1, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कह रहे हैं, गेन कर रहे हैं, दैट्स वाई उनकी वैलेंसी क्या है, -3, -2, -1। और क्योंकि आपके 18 ग्रुप में इनर्ट गैस प्रेजेंट है तो उसकी कोई भी वैलेंसी नहीं होगी, 0, क्योंकि वो स्टेबल है, वो किसी के साथ ना तो शेयर करते ना गेन करते ना लॉस करते इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे आर स्टेबल, दैट्स वाई उसकी वैलेंसी 0। तो ऑलवेज इस ग्रुप में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी इस टाइप से होंगी। तो ये आपको लर्न करना ईजी रहेगा। थैंक यू एवरीवन।